हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल सॉरी ऑफिशियल। भी कहते हैं आप सब बहुत तो अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे फरमाई जा रही घर वालों की कि मुझे दही बड़े खाने हैं, जो कि मैंने दही बड़े बनाए हैं बट बेसन के बनाए हैं, लेकिन आज तक मैंने धोए के दही बड़े नहीं बनाए। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ तो कैसा बनेगा और कैसे बनाया जाता है, कैसा बनेगा ये हम देखते हैं। आइए, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ सो देखते हैं कैसे बनाते हैं और कैसे बनेगा ये, तो हमें पूरा ब्लॉग देख के और बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप हमारे ब्लॉग को देखिए, बने रहिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, दही बड़े बनाने से पहले मैं ये मसाला ले रही हूँ जो कि है धनिया, से मैं इसे पहले साफ कर लूँगी ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये मार्केट से आया है और मार्केट का साफ नहीं है, इसलिए इसको देख लेते हैं, साफ कर लेते हैं। गाइस, ये रहा हमारा धनिया और ये रहा हमारे सूखी मिर्ची, जिसको मैं अभी इसको वॉश करके तावे पे रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि दही बड़े बनाने से पहले हम तैयार करेंगे अपना दही बड़ा का जो दही है उसको, फिर मसाले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले दही बड़े के दही मसाले तैयार कर लूँगी। ये रहा हमारा मिर्चा, ये रहा हमारा धनिया, बस इसको रोस्ट करके इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे मसाले को रोस्ट कर रही हूँ, धनिया है, लाल मिर्च है, और इसके बाद मैं पीस लूँगी इसको मिक्सी में। तो गाइस, यहाँ पे हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको मैं मिक्सी में पीसूँगी। तो गाइस, ये रहा मेरा मसाला जो मैंने अभी रोस्ट किया है, और ये है मेरी दही जिससे मैं मिलाऊंगी तो सब मसाले, तो गाइस ये रहा नमक स्वाद अनुसार, गाइस ये रहा काला नमक, क्योंकि काला नमक डाला जाता है अच्छे स्वाद के लिए, इसको मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ। गाइस, मेरा मसाला तैयार हो गया और दही बड़े की दही भी तैयार हो गई मसालों से। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, और इसमें तेल डाल देती हूँ ताकि वो गर्म हो, अच्छे से गर्म हो जाए दही का, दही बड़े तलने के लिए। तो गाइस, सीरा धोई और इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी नमक, क्योंकि मैंने दही में भी बहुत सारे नमक डाल दिए, तो तेज नमक थोड़ा थोड़ा तेल डालूँगी, और मैं डालूँगी मैं हींग, थोड़ा सा हींग। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंक लूँगी। और थोड़ा गाढ़ा ही फेंटूँगी ताकि हमारी पकौड़ी जो है वो अच्छे से बने, गीली ना हो, खराब ना हो। तो गाइस, ये देखिए हमारा जो धोई है ये फेंट के रेडी हो चुका है, और कैसा हो गया ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये धोई का बड़ा पसंद नहीं है। मैंने बनाया है तो सिर्फ बेसन के लिए बनाया है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कैसा बनेगा ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो आप हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए। तो गाइस, ये देखिए मैं हाथ में हल्का सा पानी लगा के पकौड़ी को गोल गोल सेक देकर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है कट बनाना पड़ेगा, ट्राई करना है। ये किस तरह की बना रही हूँ,
देखिए गाइस मेरी गोल गोल टिकिया जो कि बहुत चिकनी है बन नहीं रही है, बहुत मेहनत बनाएंगे। तो गाइस ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ मैं आपके बड़े को तल रही हूँ, और ये देखिए हमारे बड़े जो कि फूल के एकदम गुब्बारे हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम बनाया है तो ये आकार दुगना शेप। तो कोई बात नहीं, सीखते ही सीखते इंसान सीखता है, एकदम थोड़ी ना सीख पाता है। तो ये है हमारे दही बड़े की पकौड़े जो मैं, तो गाइस ये रहे हमारे पकौड़े दही बड़े के जो मैं को डालूंगी पानी में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद डालूंगी दही में। तो दही में डालने से पहले मैं इसको पानी में डालूंगी, क्योंकि डाला जाता है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो गल के ख़राब हो जाएंगे। तो गाइस इसको डाल के मैं थोड़ी देर के लिए फिर हल्का सा इसको पानी निचोड़ के ये देखिए दही में डाल दूँगी ताकि इससे अच्छे से फूल जाए, हमारे दही बड़े अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैंने इसको दही में डाल, गाइस बहुत चिकना आटा था, सही से बन नहीं रहा था, बट मैंने बना लिया किसी तरह अच्छे से, बहुत चिकना था, मार्केट का था ना, इसलिए मार्केट का आटा था, बहुत चिकना था। तो गाइस ये है हरी धनिया जो मैं यहाँ दही बड़े में ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारे खाने का स्वाद और भी बढ़ा देता है। देखिए तो गाइस ये देखिए हमारे दही बड़े तैयार हो चुके हैं, कैसे हैं बताइए आप लोग, देखने तो अच्छे लग रहे हैं, खाने में कहें तो पता नहीं। तो आज मैंने दही बड़े बनाए हैं, तो अभी टेस्ट करना बाकी है कि कैसा बना है। तो गाइस ये रहे हमारे दही बड़े जो कि आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, तो कैसा बना है ये मानसी टेस्ट करके बताएंगी अच्छा है या नहीं। बहुत मेहनत से बनाया क्योंकि बहुत चिकना आटा था, मार्केट का था, तो उसकी पकौड़ी बन नहीं रही थी। सो गाइस तेरे दही बड़े जो कि मानसी खा के बताएंगी कैसा बना है, बताओ मानसी कैसा बना है, सच से बताना। गाइस बहुत ही टेस्टी बने हैं और यम्मी बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, आप देखिए एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं, आप भी खाइए एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। तो गाइस देखा आपने दही बड़े कैसे बने, आप लोगों को पता चला, तो आप लोग भी दही बड़े बनाइए, खाइए एंजॉय कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।